रिंकू सिंह का स्वागत करते हैं। रिंकू, सबसे पहले तो ये पर्पल कैप नहीं नजर आई, कैप तो पहन लीजिए जरा सी थोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो कैसा जा रहा है सीजन, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी फीलिंग आ रही है? मुझे पता है सब गुजरात के खिलाफ वो छक्कों की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कैसा रहा है आपका सीजन? नहीं नहीं अच्छा जा रहा है सर, आप देख ही रहे हैं, मतलब सारे मैचों में मतलब अच्छी बैटिंग हो रही है, कॉन्फिडेंस अच्छा है सर, तो मतलब कर रहे हैं वहाँ पे वेव करते हुए जा रहे हैं। नीतीश राणा के साथ क्या बातचीत चलती है, मतलब मुझे थोड़ा सा बताइए नीतीश राणा के बारे में भी, क्योंकि वो आपसे कुछ तो कहते होंगे। नहीं नहीं जब गलती करता हूँ तो डांटते भी, मतलब डांटते भी हाँ बहुत ज़्यादा डांटते हैं, मतलब गलती करता हूँ। देखो काफ़ी अच्छा बॉन्ड है भैया के साथ, तो अच्छी बातें होती रहती है, मतलब क्रिकेट के बारे में भी और भी सारी। रॉबी जहीर, कोई सवाल आप पूछ लीजिए। रिंकू बताइए कि आपका एक तो थिंकिंग क्या होता है, और दूसरी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर बल्लेबाजी करने में मज़ा आता है, मतलब चॉइस दिया जाए तो कहाँ पे बल्लेबाजी करनी है? मतलब मैं सर डोमेस्टिक में 4 नंबर करता हूँ, 4 नंबर करने में मज़ा आता है, मतलब हाँ। यहाँ तो वो है नहीं कि 4 नंबर कर नहीं सकते, 5-6 नंबर करता हूँ, क्योंकि राणा भाई और विवेक की ऊपर बैटिंग करते हैं मेरे से। अच्छा, मतलब चॉइस 4 नंबर की है। चार नंबर टीम के लिए, बाकी जो है वो वैसे करना है फिर। ओके, चंदू सर से बात कर लीजिए आप। नहीं नहीं इसलिए देखो, क्योंकि नहीं मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपको देखा है ऊपर भी जब आप बल्लेबाजी करने आते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है, जब नीचे आते हो तब भी आप मतलब बिल्कुल उस जोन में नज़र आते हैं, बिल्कुल तैयारी पूरी नज़र आती है, इसलिए मैंने पूछा कि आपके लिए चॉइस दी जाए तो कौन सा नंबर है, तो समझ गया। हाँ, थोड़ा कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ सफ़र के बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी इसमें उतार चढ़ाव आए हैं। रिंकू, उन्होंने आपको बैक किया, उनकी अकेडमी ने जो है आपकी इंजरी के टाइम पर आपकी इतनी मदद की, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। वो जो फेज़ कितना मुश्किल था उस करियर का, क्योंकि अब तो सब मुस्कुरा रहे हैं, सब रिंकू सिंह के बारे में पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो दौर आसान नहीं रहा होगा। नहीं, काफ़ी टफ था, क्योंकि 3-4 साल काफ़ी, मतलब मैं इतने मैच खेला नहीं था सर, क्योंकि 1-2 मैच खेलता था, फिर रन नहीं बनाता था, बैठ जाता था, मगर जो सर मेरे हाथ में था मेरी मेहनत में वो करता रहता था पूरे टाइम, मतलब जिम और रन नहीं बनिंग, मतलब के क्या ने का भी सपोर्ट किया, मतलब अगर और कोई टीम होती मतलब मुझे मतलब रिलीज़ कर दी थी, क्योंकि इतना बैक बहुत किया, और इंजरी के टाइम भी बैक किया था, मुझे मेरी इंजरी हुई थी, नई इंजरी काफ़ी हेल्प करी थी उन्होंने। आपका रोल क्या दिया गया आपको कोलकाता नाइट राइडर्स में? मुझे आप जब भी आते हैं तो ऐसा लगता है सीधे झूल जाते हैं शॉट्स में, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जल्दी में है रिंकू सिंह की मैच, अगर डिफेंड करने वाला टोटल भी सेट करना है तो ऐसा लगता है आप चेस करने उतर रहे हैं। देखो जो मेरा नंबर है सर वो मतलब उसी अप्रोच से खेलता हूँ, मैच के अकॉर्डिंग खेलता हूँ। मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन बेंच से नहीं आ रहा है कि रिंकू आओ जाओ और मार के आओ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। रॉबी, कोई सवाल आपके लिए? मैं पूछूंगा, ये काफी नर्वस लग रहा है। मैं जानता हूँ ये बहुत इतना नर्वस है, सिनेमा में देख रहा है आपको लोग अपने मोबाइल फोन्स पे और अपने स्मार्ट टीवीज पे, डोंट वरी। पर तू बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब बहुत सवाल का सही जवाब दे रहा है, वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने देखा इसको, मतलब 2018 में जब मैं हमारे साथ जब ज्वाइन किया था, बहुत शाय लड़का था, बहुत कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ नीतीश के साथ बात करता था, पर अभी मतलब लोगों का प्यार जो मिल रहा है इसको, क्योंकि इसने इतना मेहनत किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े और आगे बढ़ता ही जाए। एक लास्ट चीज़ इससे पहले कि मैं जाने दूँ, सब स्ट्राइक रेट की बात करेंगे, सब आपके वो 5 छक्के जो आपने गुजरात के खिलाफ जड़े, जो कि IPL में एक इतिहास बना चुके, उसके बारे में बात करेंगे। आपका आपको कौन सा सबसे फेवरेट मैसेज आया उसके बाद, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बहुत सारा आपको प्यार तो दिया ही है। नहीं, बहुत सारे मैसेज आए थे बड़े बड़े लोग, तो एक ऐसा मैसेज जो आप हमसे शेयर मतलब करना चाहेंगे? सर, रजनी सर की कॉल आया था, मतलब रजनी सर का कॉल आया था। हाँ सर, क्या बात है, क्या कहा उन्होंने? वो इंग्लिश में बातें कर रहे थे, मैं आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो वो कह रहे थे मैं मिलता हूँ चेन्नई में, अगर चेन्नई में मैच हुआ तो। रिंकू, हम आपसे हिंदी में सवाल पूछेंगे और बस और नहीं पूछेंगे, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, बाय द वे, बिफोर आई लेट यू गो, शाहरुख खान ने आपसे क्या बोला, क्योंकि वो पठान वाला मीम बड़ा अच्छा लगा था मुझे। नहीं सर का कॉल आया था उसके बाद, क्या बताऊं सर, थोड़ा सा तो बता दीजिए। शादी को लेके बोल रहे थे, शादी को लेके बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे शादी के लेके, कब कर रहा है भाई? नहीं, ये कह रहे थे कि मैं मतलब लोग मुझे बुलाते हैं अपनी शादी में, मगर मैं जाता नहीं हूँ, मैं तेरी शादी में आऊंगा नाचने। रिंकू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मैच सेंटर लाइव पे जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से कीप शाइनिंग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।